चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही पहुंचने लगे नेता मंत्री वीआईपी। भगदड़ के चलते एक महिला की मौत, प्रशासन की चाक चौबंद, व्यवस्था की खुली पोल। नवरात्र लगते ही धर्म नगरी डोंगरगढ़ में पूरे 9 दिन वीआईपी नेता मंत्री का आना जाना आम बात हो गई है। इसी क्रम में बीते दिनों भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री आहुवाल माता के दर्शन करने पहुंचे, फिर बृजमोहन अग्रवाल, फिर ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री, फिर धर्मलाल कौशिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत लोग आते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं, आरोप प्रत्योप लगते हैं, किसके शासन काल में क्या हुआ एक दूसरे की गिनाते हुए नहीं थकते। माता के मंदिर में क्या इनके आने से माता के सामने देश प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी समृद्धि की कामना करते हैं? क्या इन वीआईपी मंत्री नेता की मनोकामना माँ सुनती है? क्या देश में खुशहाली समृद्धि आ जाती है? नहीं, आज आवश्यकता है शासन प्रशासन में जनता मूलक योजनाओं, कोर्ट कचहरी के मामलों, राजस्व विभाग में सैकड़ों पेंडिंग फाइलों के निराकरणों, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जैसे कार्यों को समय पर पूरा करने, देश प्रदेश की जनता के प्रति चल रहे योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन कर अपने दायित्वों का निर्वहन करने से माता रानी प्रसन्न होगी, न कि जनता को कष्ट डालकर दर्शन करने पहुंचने से। हाल ही में माँ बम्लेश्वरी मंदिर धर्म नगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले में उमड़ी भीड़ के चलते एक महिला की भगदड़ में मौत हो गई थी। वही सूत्रों की माने तो चार अन्य लोगों के बेहोश या हताहत होने के साथ साथ एक अन्य और व्यक्ति की मृत्यु होने की जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, बहरहाल ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। ये अप्रत्याशित है, क्योंकि मैं भी 3 दिन वहाँ रहा और ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था, और सारे जो सर्वे है वो भी बता रहे थे कि वहाँ नहीं आ रही है। और जैसे पोस्टल बैलेट खुला, कांग्रेस आगे थी, और जैसे ईवीएम खुला भाजपा आगे, तो छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी, मध्य प्रदेश में सब जगह वही, और यहाँ बैलेट के बाद ईवीएम खुलता है भाजपा आगे। नक्सलियों जी आज माता रानी के दर्शन करने पहुँचे? जी जी, प्रत्येक वर्ष माता रानी के दर्शन करने नवरात्रि के पर्व पे आते हैं, माता जी का आशीर्वाद मिलता है, प्रदेश में शांति समृद्धि और खुशहाली ये कामना करते हैं, और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में बरकत कर रही है, विकास की दिशा में आगे जा रही है। इस वर्ष अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ दर्शनार्थियों को रहा है, लोगों में अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ा है, और निश्चित रूप से हमारे सनातन संस्कृति के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे द्योतक है कि लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और हम लोग निरंतर माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में आगे जाए, यही कामना के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष और दोनों नवरात्र और चैत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। आज हरियाणा बघेल जी दौरे पर थे, उन्होंने कहा जब बैलेट खुलता है तब कांग्रेस आगे रहती है और जब ईवीएम खुलता है तो भाजपा आगे निकल जाती है, ये पूरा कल्चर चलता आ रहा है करके, किस तरह से? जब जब पाव पड़े संतन के तब तब बंठा ढार। भूपेश बघेल जहां भी चुनाव में गए हैं उसका पुराना इतिहास, असम के चुनाव में गए थे, असम का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, उसके बाद में हमारे उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड का परिणाम आप लोगों ने देखा, बिहार में गए थे, बिहार का परिणाम आप लोगों ने देखा है, और अभी वो गए थे बता रहे हैं कि वहाँ तो ईवीएम मशीन को दोष देना ये इनके फितरत में है, जब इनके फितरत में है और इस बात का दोष देते हैं तो कश्मीर में सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए, और उनको ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मशीन से रिजल्ट आया है इसलिए हमको सरकार नहीं बनानी है। तो कथनी और करनी का अंतर कांग्रेसियों को हमने बहुत करीब से देखा है, और यदि मशीन के ऊपर ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए, तब वो चैलेंज करे किसी प्रदेश में छोड़ करके, तो निश्चित रूप से विचार करेंगे कि आखिर ये क्या बात है। लेकिन ये जब जहाँ जीतते हैं
तो चुपचाप जाके शपथ ग्रहण कर लेते हैं, और जहाँ नहीं आए तो ठीकरा फोड़ते हैं। वहाँ के जो नेता प्रभारी बन के हमारे यहाँ चुनाव में आए थे, उसमें हम लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। और ये उनकी दुर्गति किए कि कांग्रेस वाले उनको यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उनको टिकट भी वहाँ नहीं दिए। और भूपेश बघेल जी गए हैं तो हारना तय है, जो 70-71 सीट के रहे हो काबिज, अपने प्रदेश को नहीं बचा सके अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, तो दूसरे प्रदेश में क्या वो बचाएंगे, ये छत्तीसगढ़ के जनता और हिंदुस्तान की जनता उनको समझ चुके हैं। सर, वर्तमान में भाजपा का नज़र नहीं आ रहा है, क्या है, घोड़ा को नकेल कसना पड़ता है। 5 साल में जो बिगड़ी हुई आदत है वो सुधरेंगे, और निश्चित रूप से जैसा जनता की अपेक्षा उसके अनुसार अनुरूप काम होगी। कल रात को भीड़ ज़्यादा थी और सुबह तक भीड़ थी, अभी भीड़ जो है वो कम है और नियंत्रित है और सिचुएशन शांति से चल रहा है। कल एक महिला की तबीयत खराब हुई थी जिसमें उसकी डेथ हुई है, धमतरी के रहने वाली महिला थी। 12 से 15 लोग सर जिनकी तबीयत भीड़ में दब जाते बताया जा रहा है, तबीयत खराब हो गई है। अभी गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा मौसम भी गर्म है तो लोगों की तबीयत खराब, डॉक्टर की टीम लगी हुई है, तो ये प्राथमिक उपचार जैसा आवश्यकता अनुसार वैसा दिया जा रहा है। अब तक सर कितनी नवरात्र को शुरू हो चुका है, 4 दिन कितनी पब्लिक लगभग? अभी लगभग 2 से 2.5 लाख की पब्लिक ऐसा अनुमानित है कि दर्शन कर चुकी है। इसके अलावा इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम लगाई गई है, इसके अलावा अतिरिक्त बैरिकेटिंग भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। भीड़ के कारण थोड़ा बहुत तो रहता है, वो टूटते रहता है, बनते रहता है, मेकअप होते रहता है, अभी फिर मेकअप हो जा रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा और अतिरिक्त बल लगाया गया है, इसके अलावा आउटर में भी दर्शनार्थियों को धीरे धीरे रोक रोक के छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। अभी करीब 200 और अतिरिक्त लग चुका है। डोंगरगढ़ से अंबरीश टांडिया की रिपोर्ट।